मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 50 से अधिक साहित्यकारों को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर विनीता प्रजापति ने बताया कि सांस्कृतिक संस्था की ओर से आदरणीय मंच और यहाँ पर उपस्थित समस्त विभूतियाँ जो किसी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज यहाँ पर ये साधना साहित्य सांस्कृतिक संस्था इसका वार्षिक महोत्सव है। वार्षिक मतलब साल में एक बार हम लोग किसी तारीख को ये वार्षिक महोत्सव करते हैं और इसमें ये वार्षिक महोत्सव विशेष हो इसके लिए हम लोग ये देवास, इंदौर और भी जगह से हमारे बीच कवि और कवित्रियाँ आई हैं और वो अपना अपना कार्य पाठ आपके समक्ष रखेंगी। और जो सुनीता जी बता नहीं पा रही थी तो मैं बता दूँ, पद्मश्री विष्णु वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की शिष्या हूँ और उन्होंने भी अम्बेडकर की खोज करी है जिससे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। और भीमबेटका की खोज, विलुप्त सरस्वती नदी उसकी खोज और भी देश विदेशों में काफी खोज करने के कारण उन्हें पद्मश्री दिया गया। और एक कविता सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। उनके आवाज, उनके शब्द, उनका लहजा वास्तव में बहुत अच्छा था। वो छिंदवाड़ा की है और उनसे बहुत सारे संभावनाएं हैं। वो छिंदवाड़ा से थोड़ा बाहर निकले तो बहुत अच्छा होगा। फिर संस्था के उद्देश्य मुझे बताए हैं, उससे तो ऐसा जाहिर होता है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं आपने छोड़ा है जिसमें आप काम करना चाहते हैं। देखिए, केवल उद्देश्य संस्था के कागज पर नहीं रहना चाहिए, वे जमीन पर उतरना चाहिए। तो एक साल भर में एक सम्मान समारोह आपने कर दिया या और भी कुछ कार्यक्रम किया? सामने बैठे सभी मेरे आदरणीय और प्रिय, आज पहले तो ये कहूँगा जिन लोगों का सम्मान होगा उनको मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शब्द साधना इतना अच्छा लालित्यपूर्ण नाम है और प्रेरणादायी अनुकरणीय भी है कि शब्द की साधना, हम सब शब्द की तो साधना करते हैं और शब्द को कहा भी गया है कि उसका कभी भी क्या नहीं होता, क्षरण नहीं होता। वो हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सब मौजूद है। और अब तो अमेरिका में ये रिसर्च किया जा रहा है कि जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कब कब क्या कहा है उसको, और कुछ शब्द मेरे पास उनके लिए हैं क्योंकि मैं उनको वैसे तो नहीं जानती लेकिन आज से जानना शुरू कर रही हूँ। राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की पौत्री हैं, सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, साहित्य एवं सामाजिक सेवा हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पूर्ण सेवा काल के 9 वर्ष पूरे उन्होंने ले ली है और अब लगातार हिंदी की सेवा में और माँ भारती की सेवा में समर्पित हैं। आइए उन्हें जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन कीजिए कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि ऐसा मानना है कि हम सबका अभिमान ये हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी और आप उस दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मुख्य अतिथि डॉक्टर क्षमा पांडे जी। रहता है उससे कम स्त्रियों का नहीं होता, चाहे भय हो चाहे समाज हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के द्वारा ही समाज चलता है, संगठित होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बधाई स्वरूप जो सम्मानित होने जा रहे हैं और आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामना स्वरूप मैं महिलाओं पर केंद्रित, चूंकि एक बेटी ही पत्नी या बहन या भाभी या माँ होती है, अनेक पद हैं उसके, तो इसलिए मूल रूप में तो वह बेटी ही होती है जब जन्मती है, उसके बाद ही उसे ये सब पद प्राप्त होते हैं। तो मैं एक बहुत ही अच्छी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ बेटी शीर्षक से।